हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कुंदरू की भरवां सब्जी। इसके लिए हमने 200 ग्राम कुंदरू को अच्छे से धोकर ले लिया है। अब हम इनके दोनों किनारों को काटकर इस तरह बीच में एक चीरा लगा लेंगे। इसी तरह सारे कुंदरू को काटकर रख लेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे धनिया, जीरा और सौंफ, और इन सबको 2-3 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब मसाले रोस्ट हो गए हैं, इनको हम ठंडा करके पीस लेंगे। अब हम इन पीसे मसालों में मिलाएंगे मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, अमचूर और 1 चम्मच तेल, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरीके से सारे कुंदरू में मसाले भर लेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें तेल डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कुंदरू को। और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और अब ढककर इसको पकने देंगे। अब 2-3 मिनट हो गए हैं, हम चला देंगे कुंदरू को। इसी तरह हम बीच बीच में चलाते हुए इनको धीमी आंच पर पका लेंगे। अब ये पककर तैयार हैं। इसको मैंने सर्व किया है पराठे और रायते के साथ। आप भी इसे ट्राई करें और कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। बाय।